ये कुछ इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको अच्छी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस मिल सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ख़ास तौर पे ऐसी जो ट्रांसपेरेंट इमेजेस होती हैं, PNGs जिसे बोलते हैं, अच्छी वेबसाइट है। इसको आप ज़रूर जाके अपने पेजेस के ऊपर, जब कभी आपको चाहिए कोई इसमें से कोई भी एलिमेंट डिज़ाइनिंग के लिए जो आपको हेल्प करे, तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। ये मैं देख रहा था लास्ट टाइम, यहाँ से आप इनको, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स हैं, PNGs हैं, डिज़ाइनर जो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी ग्राउंड्स के ऊपर, ये अच्छी ग्राउंड है, बैकग्राउंड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो डिज़ाइन के लिए। जिससे ये और भी हैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ्रेम्स भी हैं, कोई आइकन्स भी हैं, इनको आप डाउनलोड करके अपने पेज के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े जस्ट क्लिक करो, ट्रांसपेरेंट इमेजेस PNGs डाउनलोड कर लो। QP QP अगर इस तरह का कोई आता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये जस्ट आपने टिक करना है। Q देन B, Q कौन सा है इनमें से, दिस वन, असल में वो वेरीफाई करता है कहीं रोबोट तो नहीं कर रहा ऑपरेट। चलिए जी, ये आपकी PNG आ गई डाउनलोड। इसको आप अपने डिज़ाइन के अंदर जहाँ आप ज़रूरत समझो पेज के ऊपर, इसको आप लेके आ सकते। जैसे ये डाउनलोड होके आपके डाउनलोड के फोल्डर में, इसको आप पेज डबल क्लिक करके आपको होता है ग्राउंड, और उसके ऊपर जहाँ तक इमेज है इसका साइज वाइज कर लेना आप। ये देख रहे हैं अच्छी इमेजेस हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, इसको आप जहाँ पे इस्तेमाल करना चाहो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी ग्राफिक्स इसमें मिल सकती हैं आपको, अगर पेजेस के ऊपर इसे अप्लाई करना चाहो तो किए जा सकते हैं। पेजेस आपने फ्लायर बनाने, ब्रोशर बनाने, उन पे कोई डिज़ाइन, कोई बुक, कोई एनीथिंग कवर आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे इमेजेस यहाँ पे आपको मिलती हैं। ये PNG विंग के नाम से वेबसाइट है, ये आपको हॉलीडेज से रेलिवेंट इनमें से अगर आपको यूज़ करना चाहो इन इमेजेस को, जस्ट यू हैव टू डाउनलोड लाइक दिस नाउ। फर्स्ट टाइम आपको करना पड़ता है रिस्पॉन्ड अल्फाबेट्स जो बताए गए थे ऑर्डर के साथ, नेक्स्ट टाइम आपको करना नहीं पड़ेगा, जस्ट डाउनलोड हो जाएंगे इनको, फिर आप पेजेस के ऊपर जहाँ पे यूज करना चाहो आप कर सकते। अच्छी रेजोल्यूशन वाले बिग साइज के इमेजेस अवेलेबल, इसको अगर आप यहीं पे इस्तेमाल करना चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिज़ाइन में आप इसको अच्छी आपको कलेक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो ये आप इस वेबसाइट पे विजिट करके अपने पसंद के PNG फाइल्स, और PNG फाइल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती। फोटोशॉप में जाके सराउंडिंग के एलिमेंट आपको, कलर्स बॉक्सेस होते हैं, कुछ और होता है तो उसमें से इमेज निकालना मुश्किल हो जाता है, वाइट शेड्स ज़्यादा होते हैं, तो ये देखो ट्रांसपेरेंट है, बड़े अच्छे अच्छे पैटर्न्स हैं, ये भी ले सकते हो। आपको अच्छा ग्राउंड के ऊपर
आर्ट वर्क काइंड ऑफ अवेलेबल है, इसको आप यूज करो डिजाइन में। साइज वाइज कर लेना, इसको इसके बैकग्राउंड में रखना है तो आपको राइट क्लिक करके ऑर्डर आपको पता है चेंज करना पड़ता है। बैक वन स्टेप, हैंड्स के बिहाइंड चला जाएगा ये। इसको अभी बैक वन स्टेप हुआ है, जस्ट ये गिफ्ट बॉक्स के पीछे गया है, फर्दर वन स्टेप पीछे और भेजना है, बिहाइंड भी कह सकते हो, बिहाइंड विच वन, हैंड्स के पीछे डायरेक्ट, उसका लेवल चाहे 3-4 पीछे बैक पे हो तो आप बिहाइंड वन करोगे, हो सकता है आपको टाइम लगे उसके बिहाइंड जाने में, क्योंकि अभी आपने 2 लेवल्स बिहाइंड, फिर इसको मजीद आपको ऑर्डरिंग करनी पड़ती है। या इसको अच्छी चीज ये होती है, ऑब्जेक्ट पैनल देख लिया करो, ऑब्जेक्ट पैनल में आपको आइडिया हो जाता है इसका ऑर्डर कहाँ पे है, ठीक है। अभी हैंड्स इसके नीचे हैं तो इसको ड्रैग करके यहाँ से भी ड्रॉप कर सकते, देख रहे हो ये किस तरह आपके पेजेस के ऊपर। और ये आपको ऑब्जेक्ट पैनल बड़ा, पहले वर्जन में ऑब्जेक्ट मैनेजर के नाम से हुआ करता था, अभी ऑब्जेक्ट पैनल के नाम से है, इसको ऑन जरूर कर लिया करो। ऑन करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, प्लस के साथ कर सकते हो यहाँ से ऑब्जेक्ट, ठीक है, नंबर 1 ये ऊपर टॉप पे, प्लस पे क्लिक करके यहाँ से ऑन कर लो। नंबर 2 आप विंडो मेन्यू में जाके ऑब्जेक्ट पैनल को डॉकर में जाके आप यहाँ से ऑन कर लो। तीसरा मैंने बोला था ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर सबसे नीचे वाली ऑप्शन ऑन कर दो, तीनों में आपको ये दिखता है और ये इसके आइकन है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू सी पेजेस लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट, क्लिक हियर, ये जस्ट व्यू लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट, लेयर्स एंड इट्स ऑब्जेक्ट, एंड ये आपको सिर्फ पेजेस दिखाता है जितने आपके इसमें मौजूद हैं, देख लो, क्लिक करोगे पेज सामने आ जाएगा। अभी मैंने ये बनाया, इसके ऊपर आपको पता है राइट क्लिक करके ये ऑप्शन से आप बखूबी वाकिफ हो गए। इंसर्ट पेज, आफ्टर, बिफोर, डुप्लीकेट, रीनेम, उर्दू का वर्जन ऑन है, इंग्लिश कर लेते हैं। जो मुनासिब नाम रखना है वो आप पेज का यहाँ से रख दो। और दूसरा तरीका मैंने यहाँ से बोला ये कर लो, तीसरा तरीका लेआउट में जाके यहाँ से कर लो, एक ही बात है, मतलब एक ही काम करने के 3 तरीके, मेरे ख्याल में ये काफ़ी इजी है नेविगेट करना। और यहाँ पे आपने चूंकि पेज पे क्लिक किया है सिर्फ पेजेस दिख रहे हैं, अगर आपको कुछ इसके अंदर के सर लेयर के अंदर ये जो आपने ऑब्जेक्ट रखे हैं ये आने चाहिए, मसला ही कोई नहीं, ये क्लिक कर दो, ये लेयर वाइज आपको मेंशन कर देगा। अभी आपके सामने मैंने ग्राउंड के ऊपर रेक्टेंगल रखा, उसके ऊपर एक डिजाइन बिट मैप इंट्रोड्यूस करवाया, उसके ऊपर एक हैंड्स वाला, इसके नीचे स्ट्रिप डाली, उसके ऊपर ये बिट मैप गिफ्ट वाला स्टैकिंग ऑर्डर, और ये आपको मैंने सारा बताया हुआ लॉक्स के बारे में, लॉक कर देगा परमानेंटली पूरी लेयर के ऑब्जेक्ट, किसी को भी मूव नहीं कर सकते आप, जो रखा है वहीं पे पड़ा रहेगा, क्लिक करोगे सिलेक्ट भी नहीं होगा जब तक ऐसे अनलॉक नहीं कर देते। और प्रिंट मैंने आपको ये बोला हुआ है कि प्रिंटिंग में इस पेज को निकालना है, पूरे लेयर के ऑब्जेक्ट को निकालना है, इसमें से हैंड्स वाले को नहीं निकालना, हैंड्स वाले को सॉरी जस्ट आप लॉक ऑन ऑफ कर सकते, ऑब्जेक्ट सारे निकलेंगे लेयर के ऊपर जो मौजूद होंगे, बाकी लॉक ऑन ऑफ कर सकते इंडिविजुअली किसी एक का जो फाइनल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी चीज फाइनल हो गई है बिट मैप ग्राउंड का, इसे लॉक कर दो ताकि मूव ना हो, देख रहे हो ये लॉक हो गया, ये जो ट्राइंगल्स वाला पैटर्न था, मतलब छोटी सी एफर्ट पुट करने से स्टूडेंट्स कितने जबरदस्त किस्म के डिजाइन बन सकते हैं, देख कितना आसानी से कितनी अच्छी अच्छी चीजें बन रही हैं। टाइटल वाइटल लगाओ, लोगोज लगाओ, प्रॉपर एक पेज अपना रेडी करो, ठीक है, और ये कितने आराम से आपके पेजेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका पूरे का पूरा सामने, और ये आपके पास ऑप्शन है कि आपने सारे पेजेस देखने, आप कंसंट्रेट जस्ट सिंगल पेज पे करना चाह रहे हो ये ऑन कर दिया, तो वरना मैसअप हो जाता है, इतना रश लग जाता है, आपको समझ ही नहीं आती यार ये सीडीआर फाइल है कि क्या बुलाया इतने पेजेस, वो यहाँ से ऑन ऑफ कर लिया। ये तब देखना है जब आपने
सारे पेजेस जितने भी हैं उनके अंदर की लेयर जितनी भी हैं सबको आप देखना चाह रहे हैं। यहां से कर लो और यहां से जाओगे तो जस्ट आप पेजेस दिखेंगे, यहां जाओगे तो पेजेस के साथ जिस पेज पे हो उस पेज की ऑब्जेक्ट दिखेंगे जिस पेज पे हो, ठीक है ना। अगर आप इस पेज पे हो तो इससे रेलेवेंट आपको ऑब्जेक्ट दिखेंगे, देख रहे हो, उससे रेलेवेंट। सिर्फ इसका मतलब आप जब किसी पेज पे जाना चाहो, डिटेल में जाना चाहो, किसी एक पेज पे काम करना चाहो, आप उस पर क्लिक करो, वो सामने जब पेज आ जाए तो आप इस पेज से रेलेवेंट ही फोकस करना चाह रहे हो तो इस बटन पे क्लिक कर दिया करो। लिखा भी हुआ है व्यू लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ओनली फॉर दिस पेज जिसका नाम है आईसीटी टेक लोगो, उसमें ये जस्ट आपको सिर्फ इस पेज से रेलेवेंट ही दिखा रहा, बाकी ऑफ कर दिया। ये डिटेल है इसके अंदर, लेयर एक ही लेयर फिलहाल है, कुछ क्लिपिंग की हुई है इमेजेस की वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन्वर्टिंग की समझ आ गई सबको, कितना आसान, इसमें सब कुछ दिखाता है, जिस मर्जी पेज पे जाओ उसको एक्सपेंड करो उसकी लेयर पे काम करो। ये फर्स्ट वन, ये जस्ट व्यू दिखाता है पेजेस, नेविगेट करना आसान हो जाता है। अच्छा ठीक, अब जरा ना इसका जो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट वाली ऑप्शन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या करती है, ठीक है, और इससे आप क्या काम कर सकते हो। तो मैं जस्ट फोकस करता हूँ इस पेज के ऊपर जो अभी मैंने बनाया है, और ये पेज ऊपर दिख भी रहा है, ये देखो यहाँ से भी आप जंप कर सकते हो किसी खास पेज पे, ये वही पेजेस हैं जो बॉटम पे यहाँ से भी क्लिक करने से आते हैं, यहाँ से भी आप नेविगेट कर सकते। इसका फायदा पता क्या होता है, वो आपको कंफ्यूजन नहीं रहती स्क्रीन के ऊपर कंफ्यूजन नहीं रहती सीडीआर फाइल के हवाले से, आप किसी एक पेज से रेलेवेंट ही सामने देख पा रहे हो पूरी इंफॉर्मेशन, बजाय सारे पेजेस पेजेस नजर आ रहे हो और आपका देख के दिमाग घूम रहा होगा यार ये क्या है इतने पेजेस इतनी लेयर्स, आप सिर्फ एक पेज पे कंसंट्रेट करो, कंटेंट बना लो और फिर दूसरे पेज पे जंप कर जाओ यहाँ से, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के बारे मैनेज करने के बारे से बड़ी जबरदस्त चीज। हाँ एक जो चीज डिस्कस करने वाली है जो अभी तक नहीं की गई वो है आपकी मास्टर पेज, ये सबसे बॉटम पे होता है, इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। कुछ एक कैटलॉग काइंड ऑफ लैंडस्केप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप इन पाकिस्तान के नाम से हम कैटलॉग बनाते हैं कोई 8-10 पेजेस का, उस पर अच्छी लैंडस्केप रखते हैं, उसके ऊपर कोई हम अपनी कंपनी का लोगो लगा के टाइटल देंगे डिफरेंट प्लेसेस इन पाकिस्तान या लैंडस्केप इन पाकिस्तान, और उसके ऊपर हम सेंटर ऑफ द पेज के ऊपर डिफरेंट सीनरीज को वहाँ पे प्लेस करेंगे, 10 पेज का एक कैटलॉग बनाते हैं, उस पे पेज नंबर भी देना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है वो भी आएगा। तो वो मास्टर पेज का वहाँ पे अभी आपको थोड़ी देर में उसका यूज़ नज़र आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं जो कि हमने स्टार्ट किया था, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट आपको पता है कि आप प्लस पे आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आप अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का जो चेक ऑन करके ये अवेलेबल हो जाता है, ये जी अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से ऑन कर देना, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, विंडो मेन्यू में जाके डॉकर में शिफ्ट कंट्रोल ए प्रेस करो तब भी ऑन कर सकते हो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। होता क्या है कि जो आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं जो भी हैं, 1 है 10 है 100 है जितने भी हैं, बिट मैप लॉक लगा हुआ है अनलॉक कर लेते हैं। अगर आप ये चाह रहे हो कि इसको सेंटर ऑफ द पेज लेके आया जाए अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, एक तो यह ना कि मैनुअली आप करो अरेंजमेंट, क्लिक करो ये देख रहे हो यहाँ पड़ा हुआ है, इसको अब आपके लिए कितना आसान कर दिया कि आपने इसको अलाइनमेंट के थ्रू अलाइन कर,
इसको हाइड करो, अलाइनमेंट को सामने लेके आओ और इन ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करो। आसान सी हमने हमें ऊपर वाली हमने कर ही ली थी तकरीबन, ये आपकी ऑप्शन होती है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के रेलेवेंट। अब इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट सिंगल है, दूसरा ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, अगर आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ले लेते हो, मिसाल के तौर पर दूसरा ये ले लेता हूँ, ये हैंड्स वाला, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिए हैं और इसको अगर आपने कंफर्म करना है ऑब्जेक्ट पैनल से कंफर्म कर सकते हो। ये सिलेक्शन हुई हुई है हैंड्स वाली और बिट मैप वाली, यहाँ से भी कर देख सकते हो और हाइट साइड पे कर दो इसको, अलाइनमेंट को सामने ले आओ और ये देखो। अब आपने अगर इनको रेलेवेंट टू ईच अदर करना है तो ये ले लो और ये लास्ट जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होता है उस हिसाब से कर, ये बस एहतियात कर लूँ मैं। अगर बिट मैप ये वाला जो ट्राइंगल्स हैं इस हिसाब से करना चाह रहा हूँ तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेना हैंड्स वाले को, और करने के बाद फिर आपने ये ट्राइंगल्स पे बाद में जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है इसके मुताबिक करता है अलाइन, सेंटर करना है इसको, ये लो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, वेरी सिंपल। और अगर आप इसी को चेक करना चाहो स्टूडेंट्स तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की कुछ शॉर्टकट कीज भी याद कर लें, काम आएंगी, शॉर्टकट कीज होती हैं इसकी कुछ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के पैनल के अंदर। वैसे इसका अभी आपको मैं इसका प्रॉपर मेन्यू भी दिखा देता हूँ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का। तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। इसका छोटा सा पैनल है, ये इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं, अगर ये आप याद कर लो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा काम। लेफ्ट एज अलाइनमेंट कर देता है एल प्रेस करने से, एजेस के ऊपर बिल्कुल किनारे के ऊपर जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा उसके बिल्कुल लेफ्ट एज के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को ले आएगा। सी प्रेस करोगे तो सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ले आएगा उसको, आर प्रेस करोगे तो सिलेक्शन के राइट पे चला जाएगा, टी प्रेस करोगे तो टॉप एफ दी एच पे चला जाएगा, ये टॉप टी बी बॉटम, ई जो है वर्टिकली सेंटर करने के लिए होता है, ये जो बटन है ना ये वाले ये इसका ऑल्टरनेट है। बाल का जो स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं इन बटन को यूज कर रहे होते हैं। और टी क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हैं, एक है, सौ हैं, हजार हैं, सेलेक्ट जो भी होंगे टी करते ही वो सेंटर में आ जाएंगे पेज पे, जहां मर्जी पड़े हों डेस्कटॉप पे, ये सारे एरिया बोलते हैं डेस्कटॉप, रफ एरिया बोल दो, डेस्कटॉप बोल दो, ठीक है, जो पेज होता है उस पेज पे ले आएगा जो कि आपने सेट किया था जब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। ये एक ऑप्शन है, अगर आप इसको देखना चाहो इस्तेमाल करना चाहो जरूर कीजिएगा। अब इससे फायदा ये होगा कि ऑब्जेक्ट जितने भी पड़े होंगे, जितने भी आपने सेलेक्ट कर लिए, ये जी सिलेक्शन में कितने हैं कंफर्म कर लेना ऑब्जेक्ट पैनल में जाके, एक बिट मैप सेलेक्ट हुआ गिफ्ट वाला, एक हैंड्स वाला और एक ट्राइंगल्स वाला, तीनों सेलेक्ट हो गए हैं, और वो आप चाहे इधर से कर लो, चाहे क्लिक प्लस ड्रैग से कर लो, चाहे शिफ्ट के साथ क्लिक करते जाओ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। जब हो जाए तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाना है, चले जाओ, टी कर दोगे, टी फॉर पेज सेंटर, सब वो सेंटर में ले आएगा पेज की, कितनी मजे की ऑप्शन है ऑटोमेटिकली। हाँ, स्टैकिंग ऑर्डर नहीं करेगा उनको, तमाम को एक जगह पे लेगा, स्टैकिंग ऑर्डर तो आपने इधर से करना है ना, लेयर्स में ऊपर नीचे अगर इनमें से किसी को करना पड़ जाए, गिफ्ट को अगर आपने आगे पीछे करना है यानी कुछ और करना है आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो बात ये है कि ये शॉर्टकट कीज आपके लिए हैं, आप इसे इस्तेमाल अगर करना चाहो तो ये आपने ज़रूर करो। और अगर आप इसको एल प्रेस करते हो, जो आपका फाइनल ऑब्जेक्ट था उसके मुताबिक अलाइन हो रहा है, जो आखिरी ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक अलाइन हो रहा है, राइट करोगे उसके मुताबिक राइट साइड पे जा रहा है, जो लास्ट वाला सिलेक्ट है टी करोगे जो लास्ट वाला सिलेक्ट है इसके टॉप पे चला गया, बी करोगे जो लास्ट वाला सिलेक्ट है उसके बॉटम पे आ गया, ई करोगे तो जो लास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है उसके सेंटर में आ गया, और अगर पी करोगे तो ये पेज के सेंटर में आ गया। कितनी मजे की ऑप्शन है ये, कीज आपने इस्तेमाल करनी सीख लो, आसान सी है, एल आर सी, वर्टिकल के लिए ई है वो थोड़ी सी याद करनी मुश्किल हो जाती है, टी टॉप के लिए, बी बॉटम के लिए, एल आर सी और पी फॉर पेज, पेज का सेंटर, जहां मर्जी जो भी आपके ऑब्जेक्ट पड़े होंगे उसको उसने पी करते ही सेंटर में लेना पेज के। अलाइनमेंट कितनी आसान
और ये आपको इसकी कीज के बारे में जानना हो आप यहां से भी जान सकते हो। ऑब्जेक्ट पैनल अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन है, यहां में भी सारी नजर आ रही है जो मैंने आपको दिखा, सारी समझ आ गई है, कितनी आसान सी है। और अगर इसमें इसके नीचे भी दो चीजें हैं, सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टल, सेंटर टू पेज वर्टिकल, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आप यूज करना चाहो ये आप कर सकते, और ये जो आपको ऑप्शन मैंने बताई है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट जो पैनल है उसमें भी मौजूद है। ये आपकी ये है जी पेज एज पे, पेज के तमाम को एज पे ले जाए। अब ये अगर आप क्लिक कर लेते हो और अब अगर आप इस पे क्लिक करोगे पेज के एज पे लगा देगा, लेफ्ट साइड पे, ये पेज के एज पे लगा देगा राइट साइड पे, ये पेज के एज के हिसाब से सेंटर में कर देगा। ऑप्शन का नाम है पेज एज, और ये है जी पेज सेंटर, ये पेज के सेंटर के हिसाब से सबको अलाइनमेंट करनी शुरू कर देगा, पेज के सेंटर के लेफ्ट राइट। अब ये देखो पेज के सेंटर के लेफ्ट, पेज के सेंटर के राइट, पेज के बिल्कुल सेंटर में, बात पिक कर रहे हो, पेज के सेंटर के हिसाब से अलाइनमेंट हो रही है, एज के हिसाब से नहीं हो रही। पेज का आपने अगर ये ऑन कर दिया ना ये थर्ड बटन, इसे सेंटर के हिसाब से देख रहे हैं, जितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं उनको वहां पे प्लेस कर दो। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, चलें कलर भी इसके अलग अलग कर देते हैं, ठीक तीनों को सिलेक्ट कर दिया। ये गाइडलाइंस है, ये बड़ी मजे का है, ये भी आप मास्टर पेज के साथ इस्तेमाल। अच्छा ये आपने सेंटर कर दिया, ये पहले ऑन करना है फिर बताना है, समझ रहे बात। कितने आराम से, और ये वर्टिकल है, ठीक सेंटर के हिसाब से पोजिशनिंग इसकी ऑर्डर आपके डिफरेंट है, वो बिग सर्कल ऊपर है इसलिए बाकी दिख नहीं रहे, उसको आप यहां से देख लो, ऑब्जेक्ट पैनल में जाके यहां से ऊपर नीचे कर लो। तीनों को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ये लो, और अलाइनमेंट में चलते हैं, और अलाइनमेंट में सेंटर के हिसाब से अब आप देख लो क्या वर्जन आ रहा है इसका। ये रहे जनाब सेंटर लेफ्ट राइट टॉप, सेंटर के हिसाब से हो रहा है, और हॉरिजॉन्टली करना है, ये लो सेंटर के हिसाब से हो रहा है, सेंटर के हिसाब से आपका पेज के सेंटर के हिसाब से आपकी ये वैल्यू सेट होंगी। ये ले जनाब कितने आराम से आप हर चीज कर पा रहे हो, पेज का सेंटर ही है ना, हॉरिजॉन्टल भी आपका सेंटर हो गया, वर्टिकल भी आपका सेंटर हो गया। वर्टिकल अगर आप टॉप करना चाह रहे हो, ये ले बॉटम करना चाह रही है, ये ले सेंटर करना चाह रही है, ये किस तरह आराम से आपकी अलाइनमेंट सेट होते जा रही है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो रेलेवेंट हो, ये ऑब्जेक्ट पहले सामने रखना, जो आपने काम एक्शन करना है उनको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल के साथ भी कर सकते हो, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को सामने ले आना, और ये ऑप्शंस इसके साथ आपने अलाइन टू में जाके सेट करनी है। बाकी जहां तक बात है ये ग्रिड्स की एंड और आखिरी पॉइंट है स्पेसिफाई पॉइंट, ये भी दो ऑप्शन है इसके अंदर, अलाइन टू रेलेवेंट टू, रेलेवेंट टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट लास्ट वन, रेलेवेंट टू एजेस ऑफ द पेज, रेलेवेंट टू सेंटर पॉइंट ऑफ द पेज, रेलेवेंट टू ग्रिड्स भी हैं जनाब। ये ग्रिड्स क्या चीज है, ये ग्रिड्स भी होती है यहाँ पे, अगर आप ग्रिड्स के हिसाब से इसको अलाइन करना चाहो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये मैंने साइड पे इसको रख देता हूँ, और चले ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ इस तरतीब में ऐसे रखा हुआ है। अब ग्रिड्स क्या होती हैं जी, आप ग्रिड्स ऑन कर लो। अब ग्रिड्स ऑन कैसे करते हैं, इसके दो तरीके हो सकते हैं। नंबर वन,
व्यू में ना ये ग्रिड्स होती हैं, ये ऑन कर दे, ये ग्रिड्स है। अब रेलेवेंट टू ग्रिड्स वो अलाइन करेगा, ये ऑब्जेक्ट है, तीनों को सिलेक्ट कर लिया, इस ये है जी ग्रिड पैनल। ये एक ग्रिड बॉक्स है जो कि इस वक्त कितने बाय कितने का है, तकरीबन ये 2.5 इंच स्क्वायर का। इस हिसाब से ये आपने इस पे क्लिक कर देना ग्रिड, और ग्रिड के हिसाब से आपने इसको लेफ्ट कर सेंटर कर दो, जो जो रेलेवेंट क्लोज टू ग्रिड होगा उस साइड पे वो उसको ले आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये, अब इसकी चूंकि अगर मैं यहां रख दूंगा, अब ये देखना रेलेवेंट टू ग्रिड देखो क्या करता है, सेलेक्ट किया, ये बटन ऑन किया, अब बाउंड्री के क्लोज उसकी अलाइनमेंट ग्रिड के ऊपर सेंटर, ग्रिड की लेफ्ट, ग्रिड के राइट, ग्रिड के टॉप, ठीक है। जो उसके क्लोजेस्ट होगा ना ऑब्जेक्ट के, जो क्लोजेस्ट ग्रिड होगी उसको वो वहां पे पॉइंट सेंटर पॉइंट के तौर पे ले लेगा, क्लोजेस्ट वाले को, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट इस ग्रिड के हिसाब से थे क्लोज टॉप पे, और ये चूंकि इसके नियर था तो इसके ग्रिड के टॉप पे आ गया, अपने अपने रिस्पेक्टिव जो क्लोजेस्ट होगी ग्रिड और बाउंड्री को कंसिडर करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पोजिशनिंग के ऊपर कहाँ की हुई है। अंडू कर देता हूँ, क्योंकि ये ग्रिड के ये जो लास्ट वाला सर्कल है नीचे वाला इस ग्रिड के पास लगता था, और ये वाला ग्रिड इसके पास लगता था, तो उसके मुताबिक उसने ग्रिड को ऑन करते ही आपकी वैल्यूज को सेट करना शुरू कर दिया। अब ग्रिड के लेफ्ट पे आ गया, तमाम ऑब्जेक्ट देखो इसका लेफ्ट जो है ग्रिड के मुताबिक अलाइन हो चुका, क्योंकि आपने इस पे क्लिक किया। राइट करोगे उसके जो ग्रिड क्लोज है उसके राइट पे चला जाएगा, ये आप कर सकते हो अगर इसका ग्रिड को आप ऑन करते हो। एक और ऑप्शन भी होती है, किसी पॉइंट के रेलेवेंट आपने करना हो तो ये आप ये ऑन कर दो, दिस वन स्पेसिफाइड पॉइंट, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो साथ ही आपको बताना पड़ता है कहाँ पे। अब बताने का तरीका क्या है, या तो ये वैल्यू दे दो यहाँ पे एक्स एंड वाई की, एक्स एंड वाई वैल्यू क्या होती है, ये आपकी एक्स वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल, और नीचे की तरफ आओ तो ये वर्टिकल वैल्यू होती है। करंटली इसकी वैल्यू है माइनस साइड पे, एक्स आपको पता है इधर प्लस है और इस तरफ जाएंगे तो ये माइनस है, ठीक है। और अगर आप किसी पॉइंट के रेलेवेंट, एक तो ये कि यहाँ टाइप कर दो नंबर उसके मुताबिक कर दे, मिसाल के तौर पे इनको 0-0 कर देते हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0, ठीक है। अब इसके मुताबिक इसकी अलाइनमेंट करें इन तीनों की, करते हैं जी सेंटर में ले आओ हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली भी सेंटर में ले आओ, ये है जी आपकी 0-0, ये देख रहे हो ऊपर, या जूम करके दिखाऊं, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल 0-0 है एक्स से बोलते हैं, और वर्टिकल ये 0 है पेज का एज, ये देख रहे हो 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, तो ये आपका 0-0 चूंकि आपने कहा, तो आपके कोऑर्डिनेट के मुताबिक एक्स की वैल्यू 0, हॉरिजॉन्टल 0 इज दिस वन, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चीज में, वर्टिकल 0 इस तरह, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, जैसा ग्राफ पेपर नहीं होता, ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0-0, फिर जब आप राइट साइड पे जाते हो तो 1 होता है एक्स की वैल्यू, 2 होती है, 3 होती है, और वर्टिकल अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो, वर्टिकल ऊपर जाते हो, ये ऑरिजन है असल में, ये पॉइंट है, ये 0-0 है, ये वाला पॉइंट, ये 0-0 है। ऊपर जाओगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे जाओगे तो माइनस में वाई की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव साइड में जाओगे तो प्लस होगा एक्स, नेगेटिव जाओगे तो ये आपकी नेगेटिव एक्स होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप गौर करो इसकी पोजिशन, और अगर आप इसको वर्टिकल लेके आना चाह रहे थे यहाँ पे, तो आप वर्टिकल भी इसको लेके आ सकते हो। ये जी सिंपल मैंने आपको रूलर आपके मुताबिक ये इसकी अलाइनमेंट दिखा रहा हूँ, स्पेसिफाइड पॉइंट है। और अगर अगर आप इस आइकन को यूज कर लो, इससे भी आप कर सकते हो, आप चाह रहे हो यहाँ पे पॉइंट आप क्लिक करोगे, आप चाह रहे हो इस जगह पे मैं इनको अलाइन करना चाह रहा हूँ स्पेसिफाइड पॉइंट के मुताबिक, क्लिक कर दो इधर, ये करने के बाद ये आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल
इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के मुताबिक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट शुरू हो जाएगी। पेज के सेंटर नहीं आई है, एक पॉइंट के अराउंड होगा सारे प्लेसमेंट। ये देखो हॉरिजॉन्टल, क्या ख्याल है, कितने आराम से आपका काम हो गया, चाहे सौ ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, किसी एक पॉइंट के ऊपर उसको लेके आना कितना आसान हो गया। अब मुझे बताओ क्या ये सारी ऑप्शन की समझ आ गई है अलाइनमेंट में, और किस तरह आपके ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन के अंदर प्लेसमेंट में पोजिशनिंग में आपकी आसानी देता है। ठीक है, तो एक अच्छा डिजाइन बनाने के लिए अलाइनमेंट किस तरह अपना रोल प्ले कर सकती है क्वारल के अंदर, वो आपको ये बेहतरीन अलाइनमेंट की एग्जाम्पल उसने यहाँ पे आपको करके दिखा दी कि किस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हो। जो भी सिलेक्शन में हैं उनकी अलाइनमेंट आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रेलेवेंट टू ईच अदर, या फाइनल ऑब्जेक्ट जो लास्ट वाला होगा रेलेवेंट टू पेज एज, रेलेवेंट टू पेज सेंटर, रेलेवेंट टू ग्रिड्स, ग्रिड्स ऑन कर देना फिर समझ आएगी ज्यादा, और ये रेलेवेंट टू स्पेसिफाइड पॉइंट, डायरेक्ट वैल्यू दे दो या इसको आइकन को यूज करते हुए टारगेट बता दो अपना, टारगेट चेंज हो रहा है क्लिक करो, टारगेट ये है जी, लो जी नया टारगेट शिफ्टिंग हो गई, कितने आराम से सिलेक्शन को आपने नए टारगेट के ऊपर मूव कर दिया, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं कितना आराम से आपने उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया। यहां तक कोई क्वेश्चन है पूछ लो, आगे चलते हैं। मोहम्मद अहमद राफिया मुबर्रा, समझ आ रही है? ठीक है, नहीं जी। तो आप अपने पेज को किस तरह पेज के ऊपर आप स्ट्रोक वगैरह लगाओ, ये सारी आपके पास जबरदस्त किस्म की ऑप्शंस हैं, ये सारी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको एक्स पोजीशनिंग वाई पोजीशनिंग ऑफ दिस टेक्स्ट रमजान शॉपिंग, इसकी स्ट्रेचिंग यहाँ से कर लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और ये आप यहाँ से भी कर सकते हो परसेंटेज वाइज डायरेक्टली। मैं इसको 50% कट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप जाके 50% दे दो, जो भी करंट ऑब्जेक्ट है चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लॉग ऑन है फिफ्टी परसेंट कट कर दिया। ठीक है, बड़े आराम से आप यहां से भी कर सकते हो इंक्रीज डिक्रीज एरो की से भी 200% इसको बढ़ा दो, क्योंकि एक की वैल्यू दूसरी के साथ लॉग है, उसी रेशियो के साथ लॉग है, एंटर करोगे ये रोटेशन है, ये भी आपको पता है कि आप इससे किसी एंगल के ऊपर इसको रोटेट करना हो टेक्स्ट को आपके लिए कितना आसान है। और अगर आप इसकी कॉपी निकालना चाह रहे हो सेम कॉपी निकालना चाह रहे हो, यहां से आप कॉपी निकाल लो ऑल्ट के साथ, सॉरी राइट क्लिक के साथ फ्लिप करना है, ये लो ये फ्लिप हो गया, ये फ्लिप, ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल फ्लिप है और ये वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, देख रहे हो उसका मिरर वर्जन, इसका मिरर वर्जन आ गया। आप बाल का डिज़ाइन के अंदर इसको इस्तेमाल करना चाहो आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी वर्जन थोड़ा सा लाइट कर देते हैं कलर, कौन से ये वाले ऊपर वाले ये वाले टूल बार उधर ले आते हैं, अनलॉक कर लेते हैं पहले, वरना मूवमेंट नहीं होती।
ठीक है जी, इसको आप अपनी मर्जी से जो वैल्यू देना चाहो आप दे सकते हो। लाइट कलर करके आपने उसको डिम करना है, आप कर सकते हो। ये कंट्रोल के साथ कर रहा हूँ मैं, ये ब्राइटनेस और डार्कनेस बढ़ाता है। ये मिसाल के तौर पर ये कलर ले लिया ना ब्लू, ये आपने ब्लू कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपने व्हाइट शीट की तरफ लेके आना है, ये देखो कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ क्लिक, और डार्क करना है कंट्रोल के साथ, ब्लैक स्टोन उसमें ऐड करनी है। मिसाल के तौर पर दोबारा देखो ये ग्रीन है, ठीक है। इस ग्रीन को थोड़ा सा इसके अंदर मिक्सिंग करनी है व्हाइट शेड की, तो व्हाइट पे क्लिक नहीं करना वरना व्हाइट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। दोबारा से देखो, ये आपने ग्रीन किया, ग्रीन करने के बाद इसके ऊपर स्ट्रोक, स्ट्रोक हमारा लगा हुआ है, स्ट्रोक को अगर आप नन कर देना चाह रहे हो तो आप स्ट्रोक को नन कर देना पॉइंट्स में। अगर इसकी स्ट्रोक की वैल्यू आपने ऑफ करनी है, आपको बताया आप ऑफ भी कर सकते हो। स्ट्रोक की वैल्यू ऑफ कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से पैनल, ये पैनल मौजूद है, यहाँ से आप स्ट्रोक को अपनी मर्जी से आप ख़त्म भी कर सकते हो। नन किधर है जी जनाब स्ट्रोक का, वैसे आप पैनल से थ्रू करना चाहे यहाँ से कर लो चाहे यस, यहाँ से भी आप नो कर सकते हो, ठीक है। फिर सिर्फ रह गया इसका ग्रीन, स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दिया, और अगर आप इस ग्रीन को थोड़ा डल करना चाहो कंट्रोल के साथ, मतलब उसके अंदर व्हाइट शेड को ऐड कर रहा है, लेकिन इतना भी ना कर देना कि व्हाइट ही हो जाए वो। ये देखो इसका मतलब जो भी कलर हो, जो भी कलर हो उसको अगर आप उसके अंदर व्हाइटनेस डालना चाहो तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते जाओ, थोड़ा डल करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, व्हाइट की तरफ लेके जा रहा है, ब्राइट कर रहा है, और ये डार्क करने के लिए होता है। कंट्रोल के साथ ब्लैक, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो अपने इस सेगमेंट के अंदर। ट्रांसपेरेंसी भी होती है, और भी इसके अंदर ऑप्शन अप्लाई की जा सकती हैं, तो अभी के लिए मैं सिंपल आपको ये करके दिखाया है। और अगर आप इसमें कोई लाइंस को भी यूज करना चाह रहे हो तो लाइन के लिए आपको पता है ये आपके पास सारे टूल मौजूद हैं, ये फ्री हैंड से लेके टू पॉइंट लाइन से लेके बेजियर पेन, इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको कहूँ टू पॉइंट लाइन लगानी है बिटवीन दीज हेडिंग, लो जी क्लिक करने के बाद दूसरी तरफ जाओ, और अगर आपको लाइन को लगाने वक्त मसला हो रहा हो शिफ्ट कर दो, शिफ्ट से स्ट्रेट लाइन लग दीजिए 45-45 डिग्रीज पे, कितनी जी, ये तकरीबन हमें 15-15 डिग्रीज है, ये 45, 60, 75 एंड देन 90, 15-15 डिग्री शिफ्ट अगर प्रेस करोगे तो। और ये आपने जब इसको ड्रॉप करना है ड्रॉप कर दो, स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ानी है यहाँ से बढ़ा सकते हो, ऊपर पैनल है यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है, आप चाहे यहाँ से कर लो वहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर, कलर चेंज करना है कलर चाहे यहाँ से चेंज कर लो, आउटलाइन कलर जो कलर देना मुनासिब समझ रहे हो आप कलर इसका यहाँ से दे के ओके कर सकते हो, कलर भी सेट हो गया। जहाँ तक इसकी फर्दर आउटलाइन की प्रॉपर्टीज हैं कुछ यहाँ पे भी दिखती हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम मोर बताया था याद होगा, मैंने इसकी डैशेज और गैप्स के दरमियान में स्पेस सेट करनी सिखाई थी ना मोर में जाके, ये वाला ये पैनल पता है ना आपको, ये करवा दिया था मैंने, ठीक है। यहाँ से कर लो, और अगर आप इसको ये इसकी अब फर्दर कुछ छोटी छोटी ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं। ये जैसे आपने इसको ऑन किया, ये ऑप्शन ऑन की, तो इसमें आप यहाँ पे एरो हेड एंड टेल भी डाल सकते हैं, एक एरो हेड है एक टेल है, आपकी मर्जी है। साइज छोटा करना है बहुत बड़ा है छोटा कर, बिल्कुल छोटा, ये बड़ा करेंगे विड्थ बढ़ाएंगे तो लाजमत है उसके एरो हेड एंड टेल की भी प्रेजेंस उतनी प्रोमिनेंट हो जाएगी। और जहां तक बात है कि आप इसके अलावा भी कुछ होता है, बिल्कुल होता है, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज अभी खत्म नहीं हुई, प्रॉपर्टीज अभी खत्म नहीं हुई, प्रॉपर्टीज इसमें और भी हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ये इसकी शॉर्टकट की
आउटलाइन पेन की F12 होती है, अगर यहाँ पे चले जाओ तो आपको कुछ और नए एक्सपीरियंसेस यहाँ पे करने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर गौर करो, कलर भी है, विड्थ भी है, स्टाइल भी है, एरो हेड एंड एरो टेल भी है, और मजे की चीज और भी है, कैलीग्राफी, बिहाइंड फिल, स्केल विद ऑब्जेक्ट, ये छोटी छोटी ऑप्शन है। मैं चाह रहा हूँ इसको फिनिश कर दो। आउटलाइन से रेलेवेंट, आउटलाइन से रेलेवेंट आपने क्या क्या सेट कर सकते हो, आउटलाइन का कलर, आउटलाइन की विड्थ या वेट, आउटलाइन का लाइन स्टाइल, आउटलाइन के एरो हेड टेल, ये आपकी चार चीजें सेट करती आ गई हैं आपको। इन चीजों का नहीं पता, एक तो ये डैशेस, कॉर्नर्स, लाइन कैप्स एंड पोजिशनिंग, इधर कैलीग्राफी, और दो छोटे छोटे चेक बॉक्सेस हैं, बिहाइंड फेल एंड स्केल विद ऑब्जेक्ट। मैं चाह रहा था इसको भी मैं आज करके आप खत्म कर दूं। आउटलाइन से रेलेवेंट छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी देख लो फिर, ताकि मैं आपको रिमेनिंग टाइम पे फिर हम अगले टॉपिक की तरफ आपको लेके आऊं। हाँ जी, हाँ क्यों नहीं, इसकी जेपीजी बना लो ना मोहम्मद अहमद, इसकी जेपीजी बनेगी ना, एक्सपोर्ट करोगे। अब अगर आप कह रहे हो ये पेज आपको चाहिए, ये डिज़ाइन आपने बनाया है, इस डिज़ाइन को आप लेके आना चाह रहे हो फोटोशॉप में, आप लेके जा सकते हो, इसको इलस्ट्रेटर में लेके जाना है लेके जाओ, इसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, पीडीएफ बनती है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप वो स्टूडेंट्स ये चाहिए, ये वाला पेज आपको चाहिए, ये वाला पेज जो आपने डिज़ाइन किया ये आपको चाहिए, इलस्ट्रेटर में चाहिए, फोटोशॉप में चाहिए, मसला कोई नहीं, एक्सपोर्ट, या आपने अपने क्लाइंट को भेजना है, या मुझे आपने भेजना है एक पेज डिज़ाइन करके, ये वाला आप मुझे कैसे सेंड करोगे, जस्ट एक्सपोर्ट। CDR फाइल उनको आपने देनी है जिनके पास कॉरल होगा, फिर ही उसको ओपन करके देख सकेंगे ना, या उसको देनी है जो डिज़ाइनर को ही है और वो चाह रहा है आप सर पेज आपने बना दिया इसमें कुछ चेंजेस मैं खुद कर लूँगा, पेज भेज दें मुझे, तो आपने CDR फाइल भेजनी है, JPG नहीं भेजनी। JPG भी तो वो आपका कंप्रेस वर्जन होता है, JPG बना लेता है या PNG बना लेता है, उसको भेजने का फायदा कोई नहीं, वो किसी क्लाइंट को दिखाने के लिए तो हद तक तो ठीक है, काम नहीं करने देगा उसमें, वो कंप्रेस कर देता है, कंप्रेस में डिटेल नहीं होती, डिटेल मतलब लेयर्स ही नहीं होती, ऑब्जेक्ट नहीं होते, जब ऑब्जेक्ट के लेयर्स आपके उसी तरह ये जो साइड पे दिख रहे हैं, ये अगर आपके पास होंगे तो काम करोगे ना, उसमें कलर चेंज करना है, किसी पोजिशन चेंज करनी है, ये होंगे तो चेंज करोगे ना, ये तो भेजनी पड़ेगी आपको। CDR फाइल उनके लिए तो काम की है जिनके पास कॉरल है, लाजमत है आपने टीम के किसी मेंबर को भेज दिए, जरूर भेजो CDR फाइल, लेकिन क्लाइंट को दिखानी है तो आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, JPG में कन्वर्ट करोगे। वो कैसे करते हैं और उसको किस तरह हम इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं, जिससे एक आम JPG फाइल ओपन हो जाती है फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में या कॉरल में, इस तरह इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, ये हम हर दफा करते हैं जब भी कोई पेज रेडी हो जाए, इसको सेंड करने से पहले या तो PDF फॉर्मेट में प्रेस में भेजने के लिए PDF होती है, ऐसे क्लिक किया, फाइल का नाम बताओ, रमजान शॉपिंग पेज PDF, ठीक है, और इसकी कुछ सेटिंग्स भी हैं, कहाँ पे स्टोर करना है वो बता देते हैं इसको, मेरा क्लाइंट है कॉरल प्रोजेक्ट्स के अंदर, माय क्लाइंट है, उसको ये PDF भेजना चाह रहा हूँ, ये वाली रमजान शॉपिंग वाला पेज जो मैंने भी आपके साथ बनाया है, यहाँ से बनेगा। JPG के लिए आपको दूसरी ऑप्शन यूज करनी पड़ेगी एक्सपोर्ट की, PDF आप डायरेक्ट बना सकते हो इस आइकन पे क्लिक करते ही, दोबारा से देख लो कैसे बनी, आपने पेज रेडी हो गया, ये बाद आपने क्लाइंट को चेक करवाना है, ठीक है, ये आप जस्ट यू हैव टू क्लिक हियर PDF, या फाइल मेन्यू में चले जाओ, पब्लिश टू PDF, ये भी वही काम करेगा, पब्लिश टू PDF आइकन पे क्लिक कर दो स्टैंडर्ड बार में, या ये सेम आ गया ना, लोकेशन बताओ, मैगजीन का ये मैंने पेज रेडी कर दिया है, नाम मैंने इसका रख दिया है, एक्सटेंशन PDF होती है, रमजान शॉपिंग पेज, ले जी जनाब, कुछ सेटिंग्स भी होती हैं अगर आप उसको देखना चाहो तो, प्री प्रेस सेटिंग्स,
प्रेस के लिए जो रेडी, क्योंकि पीडीएफ हमेशा याद रखना पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है। पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पी पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब इसको किसी को भी आप भेज दो, वो किसी सॉफ्टवेयर का डिपेंडेंट नहीं है, एक्रोबैट चाहिए होता है, पीडीएफ उसमें ओपन हो जाती है। लेकिन कोरल की फाइल अगर भेजोगे सीडीआर तो लाजमी तो कोरल होगी तो ओपन होगी ना, और कोरल हल्की सी को थोड़ी आती है स्केल्स उसकी, वो तो सिर्फ डिजाइनर जिससे वो बनाना है या आपने टीम मेंबर को भेजना तो सीडीआर फाइल भेजते हैं, अदरवाइज आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो, और पीडीएफ प्रेस वालों को भेजने के लिए, पब्लिश करने के लिए होती है। प्री प्रेस सेटिंग पे अगर क्लिक करो, प्री प्रेस, ये प्री प्रेस, अच्छा ये यहां से भी जा सकते हो, सेटिंग यहां से भी जा सकते हो, ये देखो, और ये प्री प्रेस है। ब्लीड लिमिट देनी है, ठीक है, क्रॉप मार्क देने हैं, फाइल की इंफॉर्मेशन देनी है, रजिस्ट्रेशन मार्क देने हैं, डैमेज डेंसिटी डेंसिटोमीटर स्केल्स देने हैं, सब कुछ ऑन कर दिया। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा, अभी आपको दिखाता हूँ कि पीडीएफ में ये मार्क्स क्या होते हैं, ब्लीड लिमिट्स क्या होती है। सिक्योरिटी भी लगा सकते हो, सिक्योरिटी इसलिए लगाते हो कि हर कोई ओपन ना करे, जिस बंदे को मैं पासवर्ड दूँ सिर्फ वही ओपन करके इसका प्रेस में प्रिंट निकाल सके। प्रेस में एक बुरी नंबर ऑफ लोग बैठे हुए हैं, मैंने कहा मिस्टर एबीसी हैं, उनको मैंने पासवर्ड सेंड कर दिया, वो इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए ऑथराइज होंगे, उनके अलावा कोई बंदा जिसके पास पासवर्ड नहीं है ओपन नहीं कर सकता। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जी, अब हर कोई तो ना ओपन करने बैठ जाए, जो कंसर्निंग बंदा है प्रेस में जो बैठा हुआ है उनका जो मैनेजर है उनको मैं सेंड करता हूँ और उनको कहता हूँ पासवर्ड है जी जनाब इसका, टू टाइम देना है, एबीसी एबीसी मैंने दे दिया, आपको बता दिया मैंने, ये फाइल बनने लगी है, सेव, लोकेशन आपने बता दी, ये क्लाइंट का फोल्डर ले जी, देखते हैं क्या हो, पीडीएफ बन गई होगी, देखते हैं, ले जी जनाब ये है फाइल, ये पेज है, जब कभी इसको ओपन किया जाएगा पासवर्ड रिक्वायर्ड है टू ओपन, कंटेंट देखने के लिए पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड अगर मेरे पास नहीं है कोई अनऑथराइज बंदा खोलता कोशिश करता है ओपन नहीं कर सकते आप पासवर्ड जब तक सही नहीं दोगे। पीडीएफ, और अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, अच्छा ये 18 पेज, मैंने पेज नहीं बताया ना, पेज मुझे बताना चाहिए था, सिर्फ एक पेज भी 18 पेजेस उसने पीडीएफ बना ली, सीडीआर फाइल में 18 पेजेस सारों के बन गए, किसी एक पेज की बनानी है वो आप पेज सेटिंग में जाके बता, मैं वो भी बताता हूँ कैसे। अब ये देखो ये जो आप मार्क्स नजर आ रहे थे ना, फाइल इंफॉर्मेशन, ये गौर करो जरा, ये फाइल इंफॉर्मेशन, फाइल का नाम चेक कीजिएगा, सब कुछ आ रहा है, और ये पता डेट और टाइम भी देता है। बाद में पता क्या कहते हैं लोग प्रेस वाले, सर फाइल आपने भेजी नहीं, किस डेट में भेजी थी, क्या नाम क्या था फाइल का, और ये कटिंग मार्क्स हैं, ये देख रहे हो, ये कटिंग मार्क्स हैं क्रॉपिंग करने के, यहाँ से आपका कटर चलेगा पेज का, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये देखो पेज का नाम किस डेट पे किस टाइम पे पीडीएफ बनी है वो भी दिखा रहा है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो प्री प्रेस में आपने चेक बॉक्सेस ऑन किए थे, ये वो चीजें हैं, मार्क्स भी आ गए, डिटेल भी आ गई, और ये सारी चीजें आपको, हाँ मैंने अभी सिर्फ एक चीज आपको और बताता हूँ कि इसको ये कटिंग मार्क्स है ऊपर भी हैं, बॉटम पे भी हैं, टॉप पे भी, ये देखो ठीक है, ये फुल वर्जन भी दिखा देता हूँ, जहाँ तक बात है, और ये देखो ये कलर्स की सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रांसपेरेंसी, वो जो आपने उसके अंदर ऑन किए थे चेक बॉक्सेस, हर एक का अपना यूज़ है। अच्छा ये पेज आपका पूरे का पूरा, आप आपको एक चीज़ जो इसमें आज मैंने भी मिस की है, वो मैं एक पेज को सेंड करना चाह रहा था, ये सारे बन गए, बंद करते हैं इसको दोबारा से, चलो जब आप पीडीएफ बनाते हो यहाँ से चाहे बना लो,
सेटिंग में जब जाते हो यहां से, ये है जी वो ऑप्शन जो मुझे मिस हुई मुझसे। करंट डॉक्यूमेंट का मतलब सारा 18 पेज, 18 के 18 पूरा कैटलॉग समझ लो, ये करंट पेज। ये सिर्फ ये वाला पेज जो इस वक्त सामने है वो जाएगा सिर्फ प्रिंट के लिए, पीडीएफ सिर्फ एक पेज की बनेगी, 18 पेजेस की नहीं। और अगर आप ये करते हो, पहला से लेके 4 पेज तक डैश डालोगे पहले से लेके 4 पेज तक, और अगर आप इसमें दूसरे पेज को और चौथे पेज को प्रिंट करना चाह रहे हो तो कॉमा डालना है दरमियान में, कॉमे डालोगे दूसरा चौथा छठा नौवां, बस बाकी छोड़ दें, सिर्फ इन पेजेस के ऊपर डिजाइन आपने पीडीएफ बनानी है, बाकी नहीं करनी। कॉमे से एक एक पेज को आप सेपरेट कर सकते हो, रेंज देनी है तो दरमियान में डैश डालते हैं, और अगर आपने वैसे ही सारे करने हैं करंट डॉक्यूमेंट सिलेक्शन को भी कर सकते हो, मजे की बात है, सिलेक्शन को भी कर सकते हो। इसका मतलब है पूरे डिजाइन में से सिर्फ टॉप हेडर को प्रिंट निकाल के भेज दें, पीडीएफ बनानी है बाकी की नहीं, सिलेक्शन मतलब पेज में से भी कुछ हिस्से को प्रिंट करना है, कुछ को नहीं करना, तो आपने जिस चीज को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा प्रिंट आएगा बाकी नहीं आएगा, ये जरा करके देखना जरा। अभी मैं करंट पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके आप ओके करता हूँ और फाइल का नाम मैं दे देता हूँ जनाब, इसी को ओवरराइट करवा देते हैं या इस चले इसका नाम रख देता हूँ पेज ओनली पेज नंबर 2 सेव। बाकी सेटिंग अगर आप देनी है आप दे सकते हो सेटिंग में जाके दोबारा से प्री प्रेस ये वो सेव नहीं जी। अब जाता हूँ उसी फाइल उसी फोल्डर में, ये बन गई फाइल। अब अगर आप इसको जाके चेक करो तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज दिख रहा है, क्योंकि आपने कहा था एक ही पेज प्रिंट करना है सिर्फ, समझ रहे बात ठीक है सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पीडीएफ बनाने का ये तरीका होता है। और पीडीएफ होती है किस लिए, प्रेस के लिए, प्रिंटिंग के लिए, पब्लिश होने के लिए। जहां तक जेपीजी आपने सेंड करनी है अपने दोस्त को दुबई में बैठा हुआ डिजाइन चेक करवाना है प्रूफ रीडिंग के लिए भेजनी है, तो आप इसको जेपीजी या पीएनजी सेट कर सकते हो, वो भी उसी तरह होती है, जस्ट ये एक्सपोर्ट होगा फिर यहां से कर लो सेव एंड डुप्लीकेट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ए डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। डिफरेंट फाइल फॉर्मेट का मतलब पीएनजी जेपीजी और स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स एसवीजी कोई भी हो सकता है, देखते हैं कैसे, चाहे आप यहां से एक्सपोर्ट कर दो जो कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है स्टैंडर्ड बार में, या यहां से कर दो, एक ही बात है, कंट्रोल ही इसकी शॉर्टकट की है और कुछ नहीं करना तो कंट्रोल ही कर दो। ये देखो यहां से भी आप पीडीएफ भी बना सकते हो, इसके अलावा अगर किसी और फॉर्मेट में जाना है ये क्लिक करोगे ये पीएनजी भी बना सकते हो, इलस्ट्रेटर का भी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अभी मोहम्मद अहमद पूछ रहे थे क्या सर इस फाइल को इलस्ट्रेटर में ओपन कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है क्या वो इलस्ट्रेटर में लेयर्स भी वैसे ही जाएंगी जैसे कॉरल में है, ये क्वेश्चन ये सोचने वाली बात है, ये हमने देखना है, करके देख लेते हैं एकदम। इलस्ट्रेटर जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ी है आप बताओ उसमें भी लेयर्स वाला सीन है, और बाकी अगर आप इसमें देखें मोस्टली हम या तो जेपीजी सेंड करते हैं या पीएनजी सेट करते हैं ठीक है, लेकिन इलस्ट्रेटर की फाइल या पीडीएफ बनानी है ये तीन तो मोस्टली हम कॉमनली जो हम एक्सपोर्ट वर्जन हैं वो देते हैं, बाकी डिपेंड करता है बीएमपी बनानी है एआई बनानी है जिफ बनानी है आइकन बनाना है, आइकन भी बनाती है, आइकन बनाने के लिए भी बेस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर इज कॉरल, आइकन भी बन जाती है, वो जो आपने आइकन देखे ना विंडोज का आइकन बना हुआ है गूगल का आइकन बना हुआ है, ये आइकन बनाने के लिए भी बेस्ट सॉफ्टवेयर है कॉरल ड्रॉ, और ये देखो आइकन फाइल यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है आइकन सोर्स के तौर पर, आइकन भी क्रिएट करने के लिए आपका ये प्रोग्राम है कॉरल ड्रॉ। चले जेपीजी बनाते हैं जरा, ये जेपीजी जेपीजी और यहाँ पे जाके इसका नाम दे देते हैं शॉपिंग पेज डॉट जेपीजी ठीक है,
शॉपिंग पेज डॉट jpg। और बाकी जहां तक बात है इसकी जस्ट एक्सपोर्ट करना है, कहाँ करना है वो आप बता दो। यहाँ से मैंने मिसाल के तौर पे इसको कंप्यूटर में उसी लोकेशन पे जहाँ पे मेरी PDF पड़ी हुई है क्लाइंट की, वहीं पे रखता हूँ जाके। jpg सेव एक्सपोर्ट, ये लो। अच्छा जी, बात भी खत्म नहीं हुई, कुछ और भी मांग रहा है। सेटिंग्स एक्सपोर्ट में पहले आपने लोकेशन बताई, फाइल का नाम तो बता दिया है, अब आपको आगे क्या पूछना है ये देखो। एक्सपोर्ट लाजमी अदा की जाती है किस लिए, ताकि इसका एक इंटरनेट वर्जन क्रिएट हो जाए। इंटरनेट वर्जन का मतलब है आपने किसी को देनी है फाइल, एक्सपोर्ट करनी है jpg बना के, अपने दोस्त को दुबई में, टोरंटो में किसी को सेंड करनी है। अब ये देखो यहाँ पे साइज भी आपको कन्वर्ट करके बता रहा है, वो कह रहा है अगर इस पेज को भेजते हो इसका साइज होगा 4.56 MB, देख रहे हो ये वाला साइज, और ये 100% क्वालिटी पे ये होगा। अगर थोड़ा सा लो क्वालिटी पे चाहिए 80% क्वालिटी पे साइज 1.96, ऑलमोस्ट 4 टाइम साइज छोटा हो जाएगा। 80% और 100% में फर्क क्या है, क्वालिटी का फर्क है, रेजोल्यूशन का फर्क है। और अगर आप चाहो इसको यहां से भी, और ये देख रहा जैसे ही मैं क्वालिटी डाउन करता हूं ये साइज भी आपको ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। बाद में पता क्या होता है, एक बहुत अच्छी ग्राफिक्स बनती है, एक हैवी फाइल बन जाती है, आपने अपने दोस्त को चेक करवाना है प्रूफ रीडिंग के लिए, जितनी फाइल आपकी हैवी बनेगी साइज बड़ा होगा, फाइल का साइज बड़ा होगा इंटरनेट के ऊपर, अगर कनेक्शन स्लो है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में टाइम लगेगा, आप क्या करते हो उसका साइज रिड्यूस करके भेज देते हो, यार स्पेलिंग मिस्टेक चेक करने हैं कर लो, एड्रेस सही लिखा हुआ है चेक कर लो, टाइटल ठीक है, कलर सिलेक्शन ठीक है, डिजाइन के अंदर एलिमेंट सही लगाए हुए हैं, एवरीथिंग इज ओके, चेक करने के लिए प्रूफ रीडिंग के लिए भेजनी है तो साइज का रिड्यूस करके भेज दो, प्रेस में थोड़ी भेजनी है कि वो प्रिंटिंग में कोई असर पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी। तो ये आप जैसे इसको कम करते हो, ये देखो हाईएस्ट क्वालिटी पे क्या होता है, ये देखो हाईएस्ट क्वालिटी पे ये वैल्यू है 4.56, जैसे मैं इसको लो करता हूं थोड़ा सा, लोवेस्ट क्वालिटी, ठीक है, लोवेस्ट क्वालिटी पे ये साइज और ट्रैवलिंग स्पीड देखो 1021 पे आ गया, MB में था KB में आ गया, कितना साइज रिड्यूस हुआ और कितने सेकंड लगेंगे इसको, 8.4 सेकंड में फाइल चली जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन लोवेस्ट पे तो ये दिख रहा है, हाईएस्ट पे देखो, चेक करो इधर कितने सेकंड लगेंगे, 38, कहां 8 कहां 38, फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। ओके करोगे फाइल बनेगी, आप वो अप्रोक्सीमेटली टाइम बता रहा है और साइज बता रहा है जो बनने वाला है, और स्पीड इंटरनेट की अगर अच्छा आपने कनेक्शन लगाया है 1 Mbps का, 1 Mbps, और अगर आपका कनेक्शन थोड़ा सा लो है, मॉडर्न यूज कर रहे हो, पुराना कहीं पे वो किसी हम कस्बे में बैठे हैं वहां पे स्पीड स्लो है, उस पे इसका टाइम कितना लगेगा ये देखो। ये वाली फाइल अब आपको 682 सेकंड पे जाएगी, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, और अगर आप अच्छी कंपनी में काम करो, इंटरनेट स्पीड बड़ी जबरदस्त आपने ले लिया, आप सब वो चार्ज कर रहा है अभी, PTCL वाले या वाईवा वाले आपसे चार्ज करते हैं, जितनी आप MBPS की वैल्यू बढ़ाते हो पैकेजेस देता ना, आप जब उसे सब्सक्रिप्शन लेते हो PTCL वालों से, वो आपको पूछता है 6 वाला चाहिए 10 वाला चाहिए, स्पीड अच्छी होगी, फाइल जल्दी अपलोड डाउनलोड हो जाती है, स्पीड और स्ट्रीमिंग अच्छी होती है। और ये कहां तक है जी, ये देखो T3 जो लेटेस्ट वर्जन है केबल्स का, वो T3 चल रहा है, अच्छी स्पीड जबरदस्त। इस पे कितना टाइम लगेगा, हाईएस्ट जो आपकी रेजोल्यूशन के साथ अच्छी क्वालिटी के साथ, ये देखो कितने लगना है जी, 6.4 सेकंड। और सबसे जो पुअर क्वालिटी है वर्जन इंटरनेट का, उस पे कितना लगना है, कहां 6 सेकंड, कहां 682 सेकंड, फर्क है ना। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको बता देता है बिफोर क्रिएटिंग फाइल, आप वो अच्छी तसल्ली करवा देते हैं, ग्राफिक डिजाइनर है ना आप,
तो ग्राफिक डिजाइनर की तसल्ली जरूरी होती है। तो आप यहां से तसल्ली से आपकी जो करंट स्पीड है, अगर ये है तो ये फिर कितना साइज आपका कितना टाइम लगेगा, ये है तो ये आमतौर पे हमारे घरों पे हम अच्छा कनेक्शन लगाएं, अगर चले ना अच्छा ना बुरा 1 Mbps अगर हमारे पास हो तो ये इतने सेकंड और इतने साइज की फाइल बनने वाली है और ये बनेगी ओके करने पे। कहाँ बनेगी वो मैंने बता दिया, ये बनने क्या लगी है JPG है ओके, जाके चेक कर लो। ये देख रहे हो साइज 4.67 ठीक है। हाँ मजे की है ले जी शॉपिंग, ये आपका पेज JPG, इसको आप सेंड कर दो जिस क्लाइंट को कस्टमर को जो भी आपका है। तो PDF भी बनाने का तरीका और JPG बनाने का तरीका और इसकी कुछ सेटिंग्स के साथ उसको एक्सप्लोर किया हमने आज, ये भी हो गया हमारा एक काम ठीक है। तो इसका मतलब है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में के साथ साथ आज हमने PDF बनानी भी सीखी, JPG बनानी सीखी, उसकी थोड़ी सी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया और इस तरह हम अपने जो क्लाइंट के लिए उसका जो फाइनल वर्जन है उसको आप एक्सपोर्ट करते हो PDF के तौर पे, JPG PNG के तौर पे, और उसको फिर आप उसकी स्पीड और क्वालिटी को इंश्योर करने के बाद ये अपना एक फाइल को आप क्रिएट करते हो। नहीं जनाब ये हो गया जी, अलाइन के साथ डिस्ट्रीब्यूट भी था, ये भी यूज हो जाता है अगर आप करना चाहो तो। डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है आपने ये देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक पेज और बनाते हैं, ग्रिड्स अगर आपको चाहेंगे आप रखो, अगर आप समय दो ग्रिड्स को तो आप यहां से ग्रिड की वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं ग्रिड्स की, मेजरमेंट भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से राइट क्लिक करके। ये है जी ग्रिड सेटअप। अगर आप ग्रिड के साथ प्ले करना चाह रहे हो, इसकी सेटिंग देखना चाह रहे हो, इसके सेटअप में जाना चाह रहे हो, रूलर के ऊपर आपने राइट क्लिक कर ग्रिड ऑन है तो चलें ग्रिड को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से रूलर की सेटिंग, यहाँ से गाइडलाइन की सेटअप, यहाँ से ये तीन चीज़ें याद रखना, ये आपको तीनों हेल्प करती हैं अरेंजमेंट करने में, प्लेसमेंट करने में, अलाइनमेंट करने में। ये तीन ऑप्शन अपनी अपनी जगह पर रोल प्ले करती हैं। ग्रिड सेटअप जो कि आपको करंटली इसकी विड्थ और हाइट पर स्क्वेयर पर इंच में कितनी है सेटिंग इसकी देखनी है, ग्रिड सेटअप में चले जाओ। इस वक्त पर इंच 0.2 फासले पे हॉरिजॉन्टली और 0.2 फासले पे वर्टिकली पर इंच आपकी लगी हुई है ठीक है। स्नैपिंग भी ऑन कर दो, इससे फायदा ही होता है, स्नैप भी करता है अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हो और वो स्नैप उसको करता है अपनी तरफ। जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर आपने सर्कल ही बनाया है, ये देखो ये सर्कल जब आप बना के इसको पिक टूल के साथ सेलेक्ट करते हो तो ये आप ग्रिड की तरफ जब जाते हो तो ये आपको स्नैप का ये स्नैप होता है ठीक है। और ये ग्रिड्स की वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहो यू हैव टू गो विद राइट क्लिक ग्रिड सेटअप, और यहाँ से आपने, और अगर आप ग्रिड्स को लाइन्स की फॉर्म में नहीं डॉट्स की फॉर्म में देखना चाह रहे हो ये ऑन कर डॉट्स ये लो। डॉट्स नजर आ रहे हैं, कलर भी चेंज कर सकते हो यहां से। ये देखो पहले तो जरा लाइंस देख लेते हैं, ये ग्रेड्स है ठीक है। और अगर आप इसकी यहां से डॉट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये डॉट्स देखते हैं, और हाँ फासले पे देखते हैं नजर आ रही है ग्रेड्स के रहेंगे। हाँ वही मैं देख रहा हूँ,
एक सेकेंड, लाइन से बड़ी बातें थी, डॉट से दिखने में मुश्किल हो रही है ना, लाइन्स ऑन करते हैं, ठीक है, ये लाइन्स हैं। और अगर आप इसकी वैल्यूज को कम ज़्यादा करना चाहो तो आप ग्रिड सेटअप में जाके, बहुत सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब कोई चीज़ आप बना रहे होते हो, कोई पैटर्न बना रहे हो तो ग्रिड्स के अंदर प्लेसमेंट में आपको ज़रा आसानी हो जाती है, कोई टाइल्स फॉर्म में आपने कोई चीज़ें अरेंज करनी हो तो ग्रिड्स ऑन कर दिए जाते हैं कि उस बॉक्स के अंदर हम रहते हुए अपने डिज़ाइन को क्रिएट करने में आपको आसानी हो। तो ग्रिड्स और गाइडलाइन आपको मकसद होता है कि उसको आप स्पेसिंग है बिटवीन, स्टार्ट फ्रॉम टॉप कहाँ से स्टार्ट होगा, स्पेस ये आप पर इंच कितनी ग्रिड्स ले के आना चाह रहे हो ये आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपकी वैल्यूज अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये पर इंच है और ये इंचज ए पार्ट है, आमतौर पे हम इसी वैल्यू के साथ जाते हैं, और जितनी आपने यहाँ पे सेट करनी है हॉरिजॉन्टली अब आप 0.5 पे कर दिया, वर्टिकल 0.2 पे कर दिया, पहले दोनों सेम थी आप डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट अब डिफरेंट हो गई है। तो इसका मतलब है ग्रिड जरूरी नहीं होती कि स्क्वेयर फॉर्म में हो, बाद का आपने डिजाइन में जरूरत पड़ती है आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रिड्स चाहिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली आपको ज्यादा स्पेस के साथ चाहिए, वर्टिकली जरा क्लोज क्लोज चाहिए, उसके हिसाब से आपने अपने पेज के ऊपर कुछ आइटम्स को कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे पॉपुलेट करना है। तो आपने जस्ट यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके ग्रिड सेटअप में अपनी मर्जी से इसको आप कर सकते हैं, और वर्टिकल अगर और आप कम कर दोगे 0.1 तो ये देखो, और इसको और डिस्टेंस पे कर दोगे, चले इसी तरह करते हैं, ये देख रहे हो ये फासला, ये वर्टिकल फासला है, ठीक है, वर्टिकल आपने कितनी कितनी डिस्टेंस के ऊपर अपनी ग्रिड्स को शो करना है, हॉरिजॉन्टल कितना कितना डिस्टेंस, ये देखो हॉरिजॉन्टली आपको काफी डिस्टेंस के ऊपर नजर आ रही है, ये आपने यहां से जाके डिसाइड करना होता है, जितनी आपको चाहिए होती कम भी कर सकते हो मजीद यहां से 0.005 डिस्टेंस वर्टिकल, ये ग्रिड्स आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको पेज के हिसाब से आपको यहाँ पे दिख रही है, और इससे फायदा ये होता है कि आप अपने अरेंजमेंट करने में प्लेसमेंट करने में आपको आसानी हो जाती है कि आपने ग्रिड्स के अंदर अपने कुछ एलिमेंट्स इस हिसाब से आपने अलाइन करके आपने रखने, ये ग्रिड्स है जनाब। आप यूज करना चाहो डिजाइन करते वक्त आपको फैसिलिटेट करता है ग्रिड्स की अलाइनमेंट के थ्रू, आप प्लेसमेंट अलाइनमेंट आपके लिए जरा इजी हो जाती है, ये आपने यहाँ से डिसाइड करना होता है ग्रिड्स में जाके। और जहाँ तक गाइडलाइन का सेटअप है, रूलर का सेटअप है, वो भी अवेलेबल है, तो रूलर आपका इस वक्त हॉरिजॉन्टल जो इंचेस में दिख रहा है, ठीक है, अगर आप इसको डिफरेंट भी कर सकते हो, इस वक्त जो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल रूलर सेम स्केल में दिख रहे हैं, अगर अलग करने हैं यहां से कर मिलीमीटर्स में रखना है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको इंचेस में चाहिए, ऐसा करते नहीं हम लोग लेकिन करना चाहिए कर सकते हैं, तो इसको हम ऑन ही रहने देते हैं ताकि जो हम हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए स्केल सेट करें यूनिट्स का वही वर्टिकल का भी वही ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाए। और जहां तक बात है ये मेथड में मैंने बता दिया था आपको नजवाज कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ मूवमेंट याद है ना, डबल करनी है तो सुपर नज कहलाता है, हाफ करनी है तो माइक्रो कहलाता है, और अगर आप चार गुना बढ़ाना चाहो तो यहां पे चार कर दो शिफ्ट के साथ, ये जो मूवमेंट है इसकी बात हो रही है नज, ये शिफ्ट के साथ जो कर रहे हैं शिफ्ट के साथ डबल कर देता है, कंट्रोल के साथ हाफ कर देता है, ये आपने इस तरह यहां से डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ करते हुए इसके सेटअप में जाके यहाँ से रूलर की सेटिंग और गाइडलाइन की सेटिंग भी इसी तरह होती हैं, अगर आप गाइडलाइन को यूज़ करना चाहो। आज मैं आपको थोड़ा सा इसके टच देने लगा हूँ मास्टर पेज के बारे में, अब मास्टर पेज पे चलते हैं, ठीक है। और लेकिन मास्टर पेज से पहले मेरे खाम ये डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन है, इसको भी चेक कर लो ज़रा, डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है, ये आपने जस्ट यहाँ पे सर्कल्स लगाए हैं पूरे पेज के ऊपर, आप यार ये पूरे पेज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं ग्रिड्स को ऑफ कर देते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पेज बाउंड्री नजर आए,
और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी देखते हैं किस तरह आपके लिए जबरदस्त किस्म की फीचर है अगर आप इसको यूज करना चाहो। व्यू ऑफ कर दो ग्रिड्स का, ये देखो ये बाप के पास ये चार सर्कल्स आपने लगाए, पेज वर्टिकली टॉप पे स्पेस कम है बॉटम पे ज्यादा है। मैन्युअली अगर इसकी अरेंजमेंट करना चाहो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज आपने जाना है डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन पे और ये है जी आपके डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली। Relevant to selected object, relevant to page edge, relevant to object spacing, page edge ले लो, कितना आराम से काम हो गया। दोबारा से देखो select किए ये page edge, ये relevant to page edge क्योंकि ग्रुप में आए हैं तो ग्रुप में मिसाल के तौर पर मैं तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने ये ऑप्शन पे जाना है पेज एज पे, बाकी ऑप्शन बताता हूं। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड टॉप ऑब्जेक्ट के हिसाब से, टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट जो उसका टॉप है उस हिसाब से अरेंजमेंट अगर आप टॉप करोगे, और अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली इस सेंटर के हिसाब से, क्योंकि तीन है ना आपको इसलिए ये इस तरह दिख रहा है। एक काम करते हैं मैं इसको फासले फासले पे रख लेता हूँ, एक इधर रख लेता हूँ, एक इधर रख लेता हूँ और एक और यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इनका अगर आप स्टूडेंट गौर करो वर्टिकली इनका आपस में फासला डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं इनको सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट पे जाता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट पेज एज पे जाता हूँ तो क्या होगा? ये नहीं, ये क्या कह रहा है, प्लेस इक्वल स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट वर्टिकली, नाम से जाहिर है एक तो यॉन कर दिया, ये इसी तरह है जैसा ऊपर यॉन करते हैं एजेस, ठीक है ये पेज एज हो गया। और ये आप ये ऑप्शन क्या करेगी और बाकी तीनों से ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करती है स्पेस वर्टिकली हर ऑब्जेक्ट का दूसरे से फासला बराबर बराबर करके इक्वली। ये देखो कितना आराम से अब काम जो मुश्किल था आसान हो गया। ये देखो अंडू करता हूं, ये था बिफोर, जैसे ही आपने इसे एज पे ऑन करने के बाद इसमें क्लिक किया अब इसने इसके दरमियान में इसका इसके दरमियान में उसका इसके दरमियान में फासला जो है ना बराबर बराबर रख के स्प्रेड आउट कर देगा वर्टिकली। अंडू करते हैं, अगर यही ऑप्शन आप यहां से ले लो ये वाली, अब किसके हिसाब से है डिस्ट्रीब्यूट टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स नॉट एज, अब एज की बात नहीं हो रही पेज की, अब सिलेक्टेड सिलेक्शन की बात कर रहा और इसके दरमियान में स्पेस दे देगा, टॉप और बॉटम के दरमियान में ऑब्जेक्ट जितने भी है ना इनकी दरमियान की स्पेसिंग एडजस्टमेंट हो जाएगी। देखो एज के हिसाब से नहीं हो रही, दोनों में फर्क समझ आया, अब सिलेक्शन के हिसाब से कर रहा है। ऑब्जेक्ट स्पेसिंग अगर ये आप क्लिक करोगे इसका फायदा, ये देखो इस पे क्लिक करते ये नीचे एक्टिवेट हो जाएंगी जो ग्रे है इस वक्त, नाम से जाहिर है क्या लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइड अमाउंट, क्लिक करो बताएं जी वर्टिकल है ना, वर्टिकल कितनी स्पेस देना चाह रहे हो एक से दूसरे की, यहां से बता दो 0.1 इंच दे दूं, 0.2 इंच दे दूं, 0.3 इंच दे दूं, 0.4 इंच दे दूं, 0.5 इंच दे दूं, जितनी आप कहोगे उतनी स्पेस के हिसाब से इसको डिस्टेंस करेगा वर्टिकल, ठीक है। ये लो बढ़ानी है अंडू कर देते हैं, वर्टिकल 1 इंच कर दो, ये लो अंडू कर देते हैं, वर्टिकल 2, 3, 4, 5 ये लो, ज्यादा दे देते हैं
लो जरा पेज को फोकस नहीं कर रहा, वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दे रहा है। जितनी आप वर्टिकल कहोगे उतनी वर्टिकली उसको एक से दूसरे का फासला सेट कर देगा, चाहे वो एक जैसे ऑब्जेक्ट जाए चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई लाइनें हो सकती हैं। मैं मिसाल के तौर पे मैं लाइनें लगा देता हूँ, ये देखो ले जनाब ये लाइनें लगा दी मैंने कुछ। इनको सिलेक्ट कर लिया और मैं चाह रहा हूं इन लाइनों के दरमियान में स्पेस जो है ना एक जैसी होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए यहां बता दो, 2-2 इंच की होनी चाहिए। और ये आपने ऑन कर दिया, और इस ऑप्शन का नाम ही क्या है, स्पेसिंग सेट करना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और इक्वल करनी है। कितना आसान है काम आपके लिए, मैनेज करना, स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अंडू कर देते हैं। अच्छा ये जिस तरह आपका ये है ना हॉरिजॉन्टल भी इसी तरह है, ये देखो अभी हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग, क्या इसकी और इस लाइन के दरमियान स्पेस डिफरेंट है, इसमें थोड़ी कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम है पिछले से, क्या इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टली। ये क्लिक किया और हॉरिजॉन्टल में जाके अब ये मैंने कर दिया 2 इंच, ये ऑन कर दिया, ये है जी ऑप्शन। वर्टिकल नहीं ना हॉरिजॉन्टल है, कितना काम आसान हो रहा है, कितनी मसले वाली जो चीज थी वो कितने आराम से आपने हल कर ली। मिसाल के तौर पे आपने यहां पे कोई एडमिशन फॉर्म डिजाइन कर रहे हो, यहाँ पे कोई आपने एडमिशन फॉर्म डिजाइन कर रहे हो और यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है नेम बॉक्सेस में, बॉक्सेस में यहाँ पे नेम चाहिए आपको, इनको आपने सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद हाँ अगर आप इसको किसी एक बॉक्स के हिसाब से वर्टिकली सेट करना चाह रहे हो तो आपने फिर लेना है दिस वन, और ऑब्जेक्ट जो होगा लास्ट वाला वो आपने बताना होगा कि लास्ट वाला कौन सा है। एक तो तरीका ये होता है इसको सेलेक्ट करो और इसमें से आप फाइनल करो कि ये मुझे मुनासिब लग रहा है, तो इस पर आप आके शिफ्ट के साथ क्लिक करो, सिलेक्शन से आउट हो गया, दोबारा शिफ्ट के साथ क्लिक करो, सिलेक्शन मेन हो गया, ये आपका लास्ट हो गया। फिर लास्ट जब हो गया है तो ये आपका क्या करता है, ये लास्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को अलाइन करता है, तो टॉप से इसको बराबर करना है, ये लो टॉप से बराबर हो गया बराबर, सब एक लाइन में आ गया, सीधे में आ गया। और अब आपने इसके दरम्यान की स्पेसिंग को भी सेट करना है, ये है जी स्पेसिंग, यहां से क्या दे रही है स्पेस हॉरिजॉन्टली, कितनी स्पेस देनी है आपने, हम कहते हैं इसको बिल्कुल 0.001 दे देते हैं, ठीक है हॉरिजॉन्टली, और ये स्पेस है देख रहे हो बॉक्सेस, थोड़ी ज्यादा कर दूं, ज्यादा कर देते हैं, ये लो 0.4 कर दूं, कितना आराम से आपका काम आसान हो गया, बजाय आप खुद से करते थोड़ा कोई आगे हो जाता कोई पीछे हो जाता, मसला ही मसला, कितने आराम से आपका काम यहां से डिस्ट्रीब्यूशन से आसान होता जा रहा है, समझ आई बात की। ये जैसे ऑब्जेक्ट ये भी पड़े हैं जी, मसला कोई नहीं, अब इन सबको सिलेक्ट किया, करने के बाद आखिरी ऑब्जेक्ट जिसके हिसाब से चलिए अभी तो मैंने उसको स्पेसिंग मैनेज करने के लिए
सेट हो गई स्पेसिंग। इसी तरह कुछ और भी आपने यहाँ पे डाटा था आपका, एंड सो ऑन, कितना आराम से आप ये काम आसान होता जा रहा है। Alignment again. सिंपल से एक्शन करके कितना आराम से आपका पूरे का पूरा ये फॉर्म जो है वो आपका रेडी हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट आइडिया हो गया आपको क्या करता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान की स्पेसिंग को मैनेज करता है। हॉरिजॉन्टली कर लो, वर्टिकल लो, ठीक है। और अगर आपने उसको खुद से मैनेज करना है तो खुद से वैल्यू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप देके उसको आप अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट। तो कल इंशाल्लाह ना ये अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट आपका ऑलमोस्ट डन है, एक आध चीज़ शायद रह गई है, उसको डिस्कस कर जब करना होगा तो इंशाल्लाह उसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपने ये ऑब्जेक्ट्स जो पैनल्स के अंदर मौजूद हैं इनको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दो, जिसमें से एक मैंने अभी तक आपको करवाया है। ये बाकी भी बिल्कुल सिंपल सिंपल सी है, इंशाल्लाह आने वाले दिन में मैं इनको भी एक्सप्लोर कर दूंगा आपके साथ। और दूसरा, हमने जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो ऑब्जेक्ट पैनल के अंदर कल एक सिंपल सा एक्शन करेंगे, वो क्योंकि आज हम बाकी ऑप्शन की तरफ निकल गए, तो ये हमने ऑब्जेक्ट पैनल के अंदर जनाब मास्टर पेज को देख रहे हैं, जो कि फर्स्ट आइकन पे क्लिक करते ही आपको दिखेगा बॉटम पे। इसमें हम नंबर ऑफ पेजेस जो आपके पास मौजूद हैं, इसमें मास्टर पेज क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मास्टर पेज में तीन फर्दर आपकी ऑप्शंस होती हैं, गाइडलाइंस, बड़ा इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, डेस्कटॉप, लेयर्स, डॉक्यूमेंट ग्रिड। ठीक है, ये देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट इसमें आपके तीन एलिमेंट्स होते हैं मास्टर पेज पे, गाइडलाइंस लिखा हुआ है, गाइडलाइन फॉर ऑल पेजेस। इसका मतलब ये हुआ अगर मैंने इस पे क्लिक करके गाइडलाइन लगा दी, अब ये ऐसी गाइडलाइन लगी है जो हर पेज पे आनी है, चेक कर लो चाहे आप, क्योंकि आपने यहां पे लगाई है ये तमाम पेजेस पे है। जिस मर्जी पेज पे चले जाओ ये गाइडलाइन अब तमाम पेजेस पे नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब मास्टर पेज पे होते हो, मास्टर पेज पे होते हो, इसको क्लिक किया होता है, जो गाइडलाइन लगती है वो चाहे जिस मर्जी पेज पे आपने सिलेक्ट करके लगाई है वो तमाम पेजेस पे होगी। समझ रहे बात? अब ये गाइडलाइन जो है तीन और तीन छह, ये हर पेज पे होगी। क्यों? कि आपने मास्टर को क्लिक करके इसके अंदर गाइडलाइन बनाई है। ये आप जिस मर्जी पेज पे चले जाओ ये गाइडलाइन जरूर नजर आएगी, मास्टर गाइडलाइन है ये फॉर ऑल पेजेस। अच्छा, जाने से पहले, क्लोज करने से पहले एक चीज और बता दूं, आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं जो आपको हर पेज पे चाहिए होते हैं। ये अगर आप गौर करो, ये यहां पे तो पढ़ी हुई लाइंस यहां दिख रही हैं, ये यहां दिख रही हैं, नो, कुछ ऐसी चीज आप बनाना चाह रहे हो जो हर पेज पे आपको दिखे और उसको आपने पेजेस के ऊपर यूज करना हो,
इन मेकिंग ऑफ एनी डिजाइन, कर सकते हो। आपने कोई चीज बना रही है, आपने कोई पैटर्न बना रही है, ये अच्छा, ये अब करने के लिए आपने करना है। आपने मास्टर पेज पे जाना है और मास्टर पेज पे जाके डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है। अब ये डेस्कटॉप मास्टर पेज के अंडर जो आ रहा है, अब जो कुछ भी बनेगा वो जिस मर्जी पेज पे जाओगे नजर आएगा। यही तो फायदे की चीज हो गई। एक पैटर्न बनाते हैं मिसाल के तौर पे, कि हर पेज पे आपको लगाना होता है मिस यहां पे, क्या कह रहे हैं? अच्छा इनविजिबल है ये, यहां से आई, इसकी ऑफ थी, ऑन कर दी, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, एक डिजाइन बनाते हैं और ये ऐसा डिजाइन है जो मैं हर पेज पे यूज करना चाह रहा हूं। ये मैंने बना दिया, ये ले चला, जल्दी से बना लेता हूं, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी एक बार बना लेती हूँ। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इस डिजाइन को इस्तेमाल कर लूंगा। नहीं जनाब, अब याद रखना ये आपने कर दिया जी, ये यहाँ पे ये आपने कहाँ रखा है, अंडर डेस्कटॉप, ठीक है। अब होगा क्या, आप कहीं पे भी हो, किसी पेज पे भी हो, फॉर एग्जांपल वो शॉपिंग गिफ्ट वाले पेज पे चलते, क्या ये डिजाइन दिख रहा है? चाहे आप किसी और पेज पे जाते हो, आईबीएम वाले पेज पे जाते हो, क्या ये डिजाइन दिख रहा है? आप बीएमडब्ल्यू लोगो पे जाते हो, ये डिजाइन दिख रहा है? अब इसका इस्तेमाल आप जहां भी करना चाह रहे हो अब कर सकते हो इजीली। ये लो उठाया, इसको मिसाल के तौर पे आपने ग्रुप बना लो, इसका बेहतर है ग्रुप बना लो। इस पेज पे आ जाते हो, यहां रखना है ये वाला डिजाइन, राइट क्लिक किया, पेस्ट करना किया, ठीक है। ये यहां पे आपने इस्तेमाल करना था किसी भी शेप में। डेस्कटॉप पे रखने का फायदा क्या हुआ, हर पेज पे अवेलेबल। कल इसका एक और इस्तेमाल देखेंगे मास्टर पेज के साथ। अब मास्टर पेज की थोड़ी समझ आनी शुरू हुई है कि मास्टर पेज क्यों होता है। दो चीजें तो समझ आ रही हैं इनमें से, एक गाइड्स की, दूसरी डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप पे रख दिया जाएगा सारे पेजेस पे अवेलेबल रहेगा। हो सकता है आपके पास 10-15 इमेजेस की कलेक्शन है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करके आप इम्पोर्ट कर लो 10-15 ऑब्जेक्ट और रख लो साइड पे, जिस पिक्चर की जहां जरूरत पड़े पेज में ड्रॉप कर दो अपने बाउंड्री के अंदर, डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। एक ही दफा रख लो सारी कलेक्शन डेस्कटॉप पे इंपोर्ट करके, जब जिसकी जरूरत पड़े उसे लेके ड्रैग करके वहां रख दो। कल इसको करेंगे कोई 10 लैंडस्केप को एक दफा इंपोर्ट कर लेंगे डेस्कटॉप पे, और फिर मास्टर पेज की जो पेज नंबर लगाना सीखेंगे, हर पेज पे नंबर भी चाहिए, एक अलग से न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, उसमें मास्टर डॉक्यूमेंट को आते ही कल हमने अर्ली टाइम पे उसको कंप्लीट करना प्रोसेस पूरा। तो मास्टर पेज को अगर समझ लिया, जैसे मतलब कल को कोई मैगजीन बनाना हो, कैटलॉग बनाना हो, कोई बुक बनानी हो, काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, सही है। बाकी इंशाल्लाह करेंगे कल, ठीक है जी। तो हमारे साथ मोहम्मद अहमद मुबर्रा और राफिया, ठीक है जी, ले जी, थैंक यू, हाफिज़।